ये तस्वीरें देखकर पत्रकारिता आत्महत्या कर लेगी, पत्रकार बनवास ले लेंगे और लोकतंत्र का चौथा खंभा धरती में समा जाएगा। क्योंकि गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपनी साख को इतना गिरा लिया है कि अब वो किसी गली के गुंडे की तरह व्यवहार करने लगे हैं। लोगों का रास्ता रोकते हैं, उनके मुंह में अपना माइक घुसेड़ देते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और फिर कुछ कह दो तो हाय तोबा करने लगते हैं। दलाल मीडिया को ना ही साख की फिक्र है और ना ही अपने काम की कद्र, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। देखिए कैसे गोदी मीडिया के सबसे बड़े चेहरे जी न्यूज और रिपब्लिक टीवी की महिला पत्रकार, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत को अपनी बाजुओं में बांधकर उनके हलक से कुछ ऐसा उगलवा लेना चाहते थे जिसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया जा सके, और नहीं तो कम से कम महिला पत्रकार को धक्का ही दे दे, जिसके विजुअल्स पर गोला लगाकर दिन भर महिला के सम्मान की दुहाई देकर सरकारी एजेंडा चलाया जा सके। एक दो तीन, पूरे तीन पत्रकार एक किसान नेता पर टूट पड़े। कंटेंट की कोई कमी ना रहे, कोई एंगल ना छूटे, हर तरफ से बुजुर्ग किसान नेता को कैमरे में कैद करके पक्के इंतजाम किए गए थे। शायद जी न्यूज की टीम पूरी तैयारी के साथ गई थी कि कैसे एक किसान नेता को इतनी बुरी तरह घेर कर उकसाया जाए और फिर उन्हें बदनाम किया जाए। बेचारे टिकैत साहब बार बार बचने की कोशिश करते रहे, अपने हाथ पैरों को संभालते दिखे कि कहीं गलती से भी इस महिला पत्रकार को टच ना हो जाए, वरना उनका डीएनए विश्लेषण हो जाएगा। नहीं, नया साल तो दिल्ली में मनाएंगे, दिल्ली भाई सब नया साल मनाने जाते हैं बाहर। हाँ नहीं आने दो, ये बात तो करने दो इनसे, क्या लेकर आए। ऐसा लगता है कि घटियापने के कंपटीशन में हर कोई अव्वल आने के लिए करो या मरो के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। देश का चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड ओछेपन और दलाली का हर रिकॉर्ड अपने नाम कर लेना चाहता है। ऐसे चैनलों और ऐसे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो तो आने से रही, क्योंकि इसी शर्म को बेचकर ही तो इन लोगों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 4 BHK फ्लैट खरीदे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिशोद्र।